हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एन डी एजुकेशन क्लासेज़ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वेल्डिंग एम सी क्यू जो एग्ज़ाम सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट टू में ले आया हूँ और इस पार्ट में मैं आपको जो है एस एस सी जूनियर इंजीनियर मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम था फ्रेंड्स और इसमें जो आपके वेल्डिंग से रिलेवेंट टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैं लेकर आया हूँ और एक सटीक नॉलेज के लिए जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज़ को मिस ना करिएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें सो फ्रेंड्स अब जो हमारा पहला सवाल है मतलब क्वेश्चन है दी ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन शो इन द फिगर गिवन बिलो फॉर वेल्डिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट नीचे दी गई आकृति में वेल्डिंग के लिए चित्रित किया गया निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट डैश को प्रदर्शित करता है ठीक है निरूपण हो रहा है यहाँ पर है ना तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इस ये क्या इंडिकेट करता है ऐसा आपसे पूछा गया है तो ये जो है आपके सारे कंप्लीटली क्वेश्चन जो है एस जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे चार मार्च दो को वो उस पेपर में पूछे गए थे ये उस पर बेस्ड है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंबल होता है ये आपके वेल्ड ऑल अराउंड चारों तरफ जो है वेल्ड करने के लिए जो एक इंडिकेशन होता है इस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है सो so फ्रेंड्स अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज़ द ऑर्डर ऑफ आर्क वेल्डिंग में सॉरी आर्क वेल्डिंग के लिए अनावृत वोल्टेज डैश पैमाने की होती है सो फ्रेंड्स इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होता है आपके 40 से पंचानवे वोल्टेज यानी कि ऑप्शन बी ठीक है और थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करते हैं ओपन सर्किट के बारे में ओपन सर्किट वोल्टेज जो जब वेल्डिंग नहीं किया जाता है जब ज़... या जब आपके धारा का प्रवाह नहीं होता है ठीक है तो उसे जो है हम अनावरत वोल्टेज यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं और जो आर्क वेल्डिंग में जो साधारणतः जो है आपके ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो 40 से पंचानवे वोल्ट रखते हैं ठीक है थीके? अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मेन क्राइटेरियन फॉर सेलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड व्यास के चुनाव का मुख्य मानदंड क्या होता है ठीक है तो यहाँ जो होगा उसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ मटेरियल ठीक है तो ये होता है इसका मुख्य मानदंड इसी के बेस पर जो है हम जो है इलेक्ट्रोड का चुनाव करते हैं ठीक है थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड के अनुसार जो है करंट की मात्रा का निर्धारण किया जाता है याद रखिएगा मतलब एक निश्चित रखा जाता है और इसमें कौन कौन सी बातों पर यह निर्भर करता है एक तो कोर वायर की धातु कौन सा है मेटल कौन सा है और जो सेकंड है वो है आपके इलेक्ट्रोड के कोर वायर का व्यास थर्ड कार्यखंड की जो धातु होती है फोर्थ आपके कार्यखंड का आकार होता है फिफ्थ जो है वो जोड़ का प्रकार होता है सिक्स्थ वेल्ड करने की गति की जाती है है ना गति पर और सातवा जो है वो वेल्डर की दक्षता यानी कि जो एक इफ़िशंसी होती है और एक जो आपका लास्ट एर्थ पॉइंट होता है वो होता है वेल्डिंग की स्थिति ठीक है ए सी है या डी सी है इस टाइप से ठीक है तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है टू शीट्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्ड वेल्डेड बाय डैश समान सामग्री सामग्री परंतु भिन्न मोटाई की दो चादरों को जो आपके बट वेल्ड द्वारा डैश से जोड़ा जाता है तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होता है एक जो आपके एक इलेक्ट्रोड के आकार के आकार को जो है बदल कर ये किया जा सकता है ठीक है तो ऑप्शन डी राइट होगा अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा मेटल टू मेटल जॉइंट इज यूज फॉर एप्लीकेशन सब सब्जेक्टेड टू धातु से धातु का जो जॉइंट मेटल टू मेटल जॉइंट का जो उपयोग है देश के अधीन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो होता है ऑप्शन ए वेरी हाई प्रेशर अत्यधिक दाब के जो है अधीन होता है ठीक है तो ऑप्शन ए राइट होगा अब जो सिक्स क्वेश्चन है वेल्डिंग पॉइंट्स सॉरी वेल्डिंग यूनिट्स ऑपरेट एट वॉट पावर फैक्टर वेल्डिंग इकाइया किस शक्ति घटक पावर फैक्टर पर कार्य करती है तो ये मैं बता दूं कि ये जो होगा इसका ये पॉइंट थ्री पर डिपेंड जो पावर फैक्टर होता है वो पॉइंट थ्री तक होता है और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे पावर फैक्टर जो है वो किसके बराबर होता है कोस फाई के और जो कोस फाइव को अगर हम और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करें तो ये होता है आपके इसका फॉर्मूला होता है कोस फाइ का वास्तविक पावर बाई ऑपरेटेड ऑपरेंट पावर जो इन दोनों का जो अनुपात होता है ये होता है कोस फाइव के बराबर और जो आपका पावर फैक्टर होता है वो कोस फाइव के बराबर होता है तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स याद रखिएगा अब जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल लाइक फ्रेंड्स देखिए फ्लेम जो है वो आपके तीन प्रकार की होती है कौन सी नेचुरल कार्बुराइजिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग ठीक है ये तीन टाइप की जो है आपके कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है वो ए, किस धातु को वेल्ड करने के लिए होता है तो मैं आपको एक जो है यहाँ पर बता देता हूँ सटीक कि कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होती है तो ये जो है आपके एलुमिनियम निकल मोनल मेटल है ना इनको वेल्ड करने के लिए होती है तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट होगा थोड़ी सी और डिटेलिंग पर बात करते हैं तो आपके जो जैसे कि इस्पात या लोहे की वेल्डिंग के समय जो है वहाँ पर हम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं इसी कारण जो है इसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं ठीक है और साथ ही जो है इसके द्वारा एल्यूमिनियम मोनल धातु निकल कॉपर एलोए तथा जो है कुछ एलोय स्टील को भी वेल्ड किया जा सकता है और एक बात नोट कीजिएगा कि उदासीन लो जैसे कि नेचुरल लो जो होती है में जो है ऑक्सीजन और एसिटिलिन का गैस का जो अनुपात होता है वो एक अनुपात एक होता है ठीक है और ऑक्सीडाइजिंग लोए में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और एसिटिलिन की मात्रा कम रखी जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डिटेल से बनते हैं ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो देखिएगा अब जो आपके एर्थ क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज टू फ्लेम इन द वेल्डिंग इज गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग की उपयोग की जाने वाली जो है लो फ्लेम फ्लेम जो है कौन सी होती है तो जनरली जो है हम ओनली ए ऑप्शन जो आपके नेचुरल दिया गया है राइट होगा तो यहाँ पर ऑप्शन जो ओनली ए दिया गया है वो राइट होगा है ना और इसी के साथ में जैसे कि आपके ब्रास ब्रॉन्च की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है ठीक है इसके द्वारा आप ब्रास ब्रॉन्च इनकी जो है आप कर सकते हैं वेल्डिंग है ना और चलिए अब जो नाइन्थ क्वेश्चन है मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज डैश जो चुंबकीय आर्क ब्लो इनमें से जो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इससे कौन सा मैच खाता है ये ध्यान रखना है आपको चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर कि एक जो होता है आपके आर्क चुंबकीय आर्क ब्लो आधुनिक वेल्डिंग तकनीक है ऑप्शन भी दिया गया है सामग्री को वेल्ड करने के लिए प्रयोग प्रयोगी होती है ऑप्शन सी दिया है इक्वेटर के निकट वेल्डिंग में होती है और ऑप्शन डी जो आपको दिया है वो डी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय प्रभाव के कारण स्पेल्टर होने की परिघटना है तो मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो होता है वो होगा आपके ऑप्शन डी कि ये जो है आपके डीसी वेल्डिंग में चुंबकीय प्रभाव के कारण जो है स्पेल्टर के होने की परिघटना होती है तो ये आंसर होगा इसका अब जो क्वेश्चन नंबर टेन है ये है टूल इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ पराधारा ध्वनि जो कि अल्ट्रासोनिक मशीन के मामलों में टूल किससे बना होता है तो इसका जो राइट right आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है आपके ऑप्शन सी यानी कि ब्रास और कॉपर का ठीक है थोड़ी सी इसकी डिटेल देखिए क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं देखिए ये तो आपको पता चल गया कि पीतल या तांबा का बना होता है इसी के साथ में इसमें जो जो वाइब्रेशन वेव होती है यानी कि कंपन वेव वो आपके 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक होता है इसमें जो है धातु को स्लरी द्वारा घटाया जाता है और इसी के साथ में जो तीसरा पॉइंट है उच्च फिनिशिंग और उच्च परिशुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है साथ ही चौथा पॉइंट होगा आपके कठोर धातु की आसानी से मशीनिंग की जा सकती है तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं ठीक है थीके? कुछ मुख्य अब जो हमारा एलेवेंथ क्वेश्चन है अ बैकिंग रिंग इज यूज इन साइड द पाइप जॉइंट वेन वेन मेकिंग अ नलिका के भीतर जो है बैकिंग रिंग का उपयोग उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है तो ये जो होता है ये आपके बट वेल्ड के निर्माण में किया जाता है ठीक है और थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं तो दो पाइपों को बट वेल्ड से जोड़ने के लिए जो है जोड़ को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए पाइप के भीतर जो है हम बैकिंग रिंग लगाते हैं जिससे कि जोड़ को अच्छी सामर्थ्यता मिल बढ़ जाती है है ना मिलती है अब जो आपके यहाँ पर ट्वेल्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप ज्वाइंट वुड बी सूटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम ठीक है वाष्प को ले जाने वाली नलिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ जो है उपयुक्त रहेगा तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपको दिया रखा है प्रसार एक्सपेंशन ये जो है आपको अच्छी तरीके से सुटेबल रहेगा ठीक है और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं तो ये जो होता है कि इसे प्रसार जोड़ की जो गति जोड़ के नाम से भी जाना जाता है ये तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इसी के साथ में जब हीट बढ़ेगा तो धातु का फैलाव होता है और जब हीट कम होती है तो धातु में संकुचन होगा तो प्रसार युक्त प्रसार जो है जोड़ में धातु इस प्रकार होता है कि संकुचन और प्रसार को शोषित कर लेता है तथा जो आपके वाइब्रेशन नहीं देता है तो ये इसका एडवांटेज होता है और साथ ही जो है इसका साधारण प्रयोग जो है हम आ, बिल्डिंग पुल रेलवे ट्रैक पाइपिंग सिस्टम और जो है जहाज़ अन्य स्ट्रक्चर में करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल होता है तो ये याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इलेक्ट्रोड सॉरी इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डेड प्रोसे वेल्डिंग प्रोसेस निम्नलिखित में से जो है वेल्डिंग प्रक्रिया में आपके इलेक्ट्रोड का किसमें उपभोग होता है तो फ्रेंड्स आपको मैंने जैसा कि बताया है कि भाई आपके वेल्डिंग में देखिए एक तो कंज्यूमेबल होता है एक होता है आपके नॉन कंज्यूमेबल तो ये क्या बोल रहा है कंज्यूम्ड तो कंज्यूम्ड की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है आपके डी राइट -right होगा आर्क वेल्डिंग क्योंकि आर्क वेल्डिंग में जो है आपके इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है और यहाँ पर लगभग आपके जो है पैंतीस से पैंतालीस के बीच में जो है आपके टेम्परेचर जनरेट होता है ये भी बताया कि भाई जैसे कि आपके एम आई जी वेल्डिंग और एमएजी जी वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड का उपभोग होता है जो कि यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आर्क वेल्डिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है अब जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रॉपर्टी वेल्डेड ज्वाइंट एज कंपेयर्ड टू बेस मेटल वुड बी बेस मेटल की तुलना में उचित प्रकार के वेल्ड जॉइंट की शक्ति डैश होती है तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होगा इसका वो होता है ऑप्शन बी अधिक होती है ठीक है तो बस इसके बारे में इतना ही है फ्रेंड्स अब जो हमारा लास्ट एंडिंग टॉप फिफ्टीन जो क्वेश्चन है वो है आपके ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन द केस ऑफ़ कार्बोराइजिंग फ्लेम इज़ तो अब देखिए मैंने आपको नेचुरल फ्लेम का बता दिया था जो कि आपके वन इज़ टू वन होता है और जो कार्बोराइजिंग होती है तो कार्बोराइजिंग में आपके जो होगा ऑप्शन बी राइट होगा जो कि आपके पॉइंट नाइन टू वन होता है और जो मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल फ्लेम में जो तापमान होता है वो लगभग आपके uh, बत्तीसौ डिग्री सेल्सियस तक होता है वहीं अगर आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की अगर बात करते हैं तो आपके जो अनुपात रखा जाता है वो होता है वन पॉइंट फाइव है ना इस टू वन ये रहेगा इसका रेशियो और ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपके पीतल और काँसे आदि की वेल्डिंग के लिए और जो आपके उदासीन की अगर बात करते हैं तो ये जो है इस्पात ढलवा लोहा तांबा एल्यूमिनियम आदि की वेल्डिंग के लिए करते हैं तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें इसी के साथ में जय हिंद जय भारत